पहचानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक है? देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने पापा की बात मान ली है, अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। और जो वादा मुझसे किया था, हा? देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए, तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है, मैं वो वादा पूरा करूंगी। देव, मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हा? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है, चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती तुम, इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना, तो मैं ये भी कर जाती, लेकिन मुझे जीना होगा देव, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी? तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव, तुम हमारी दोस्ती को जलील नहीं करोगे, मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब हमें दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव, मैं जा रही हूं। सुनो, उससे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से, क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया, वो मां है ना, समझ जाएगी। सब इसका खेल है मां, सब इसकी वजह से है। देर हो गई आज। देव, तुमने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी है। हाँ? शराब पी है मैंने। शराब का नशा है मुझ में। नहीं देव, तुम्हारी आंखों में शराब का नशा नहीं है, कुछ और है। क्या है देव, क्या बात है? छोड़ दिया मैंने उसको। हाँ? तोड़ दिया उसका दिल, फिर कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे, कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा उस अंजलि से। तू झूठ कह रहा है देव, तू ऐसा कर ही नहीं सकता, तू मेरी औलाद है, तू किसी का दिल तोड़ ही नहीं सकता।
तू झूठ कह रहा है ना देव? हाँ माँ, मैं झूठ बोल रहा। तेरी औलाद हूँ ना, क्या किसी का दिल तोड़ूंगा? मैं क्या किसी को छोड़ूंगा? वही मुझे छोड़ गई माँ। और माँ, जब मैंने उसे कहा कि तूने माँ से भी एक वादा किया था, मैं माँ से क्या कहूंगा? तो जानते हो उस बेवफा ने क्या कहा? उसने कहा, माँ समझ जाएगी। तू समझ सकती है माँ? तू समझ सकती है माँ? 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 So bloody hot. कमाल है, बब्बन मियाँ गाड़ियाँ लेकर अब तक नहीं आए। अरे वो नवाब ज्यादा है मॉम, और नवाब हमेशा अपनी मर्जी से अपने वक्त पर आते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती मॉम, कि आपने एक ड्राइवर को इतना सर पे चढ़ाकर क्यों रखा हुआ है? You should have kicked him out a long time ago. अरे नौकरों की कमी है दिल्ली शहर में क्या? हाँ बॉबी, नौकरों की कमी नहीं है शहर में, लेकिन वफादारों की बहुत कमी है आज की इस दुनिया में। और वैसे भी हमारे बब्बन मियाँ घर के नौकर नहीं, घर का हिस्सा है। तुमने बिल्कुल सच कहा। देखा बॉबी, तुम्हारा भाई कितनी अच्छी बातें करता है। जीते रहो बेटा। दुल्हन रानी, ये बब्बन ही नहीं बल्कि इसके बाप दादा भी हमारे खानदान के पीढ़ियों से खिदमतदार रहे हैं। शुक्र है आखिर आए गए बब्बन में। भाईजान, सलाम अलैकुम। खुशामदीद दुल्हन बेगम, खुशामदीद भाईजान। बबन भैया, मुबारक हो। Stay away, you idiot. Idiot? हाय, क्या अंग्रेजी झाड़ते हैं, गालियां भी बोलते हैं, तो लगता है जैसे मोती बरसा रहे हैं। बबन। Okay. अम्मा मेरी तौबा, बहुत बोलने लगे हो तुम। इतना इंतजार कराया इतनी गर्मी में। चलो बॉबी, मुझे कॉर्नर प्लेस भी रुकना है। राम जी माँ, तुम दुल्हन रानी को इस ड्रेस्ड अप गाड़ी में लेकर आ, हम BMW में चल। जी या। So bloody Alice. आइए दुल्हन बेगम। क्या हुआ? अरे कहाँ खो गई आप? आइए दुल्हन बेगम, आइए ना। भाभी, वैसे तो हम भाई के सौतेले हैं, मगर भाई हमें अपने सगों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों भाई? हम सिर्फ आप लोगों को प्यार नहीं, आप लोगों को पूछते हैं। माँ का हुकुम भगवान के हुकुम के बराबर है। कितना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। वैसे बेटा, अब तो बहुरानी के कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब तो हुकुम इन्हीं का चलेगा, क्यों? नहीं माँ, इस घर में हुकुम आप ही का चला है और हमेशा आप ही का रहेगा। जीते रहो बेटा। आओ दुल्हन रानी, अब कदम आगे बढ़ाओ। आओ भाभी, आओ ना। मारिया। यस मदाम। भाभी को उनकी जगह, उनका कमरा दिखा दो। श्वा माम, कम 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 अप देयर, इट्स अ ब्यूटीफुल रूम, यू विल श्योरली लव इट। लगता है बारिश आने वाली है। अगर आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो भीग जाएंगी। बारिश हो या तूफान, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता।
आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं कभी कभी बिजली की कड़कने की आवाज से डरती हूँ। अच्छा, और किन किन चीजों से डर लगता है हमें बताइए, बताइए ना। मैंने कहा ना, मैं किसी भी चीज से नहीं डरती, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। ओह, और हम ठहरे पुराने जमाने के। अब आप ही बताइए 19वीं सदी और 21वीं सदी की निभेगी कैसे? हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। और कोई जरूरत नहीं है रिश्ता जोड़ने की। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। 21वीं सदी की लड़की अपनी सुहागरात पर इस तरह बातें करती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, और देखिए मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप हम पर इतना जुल्म कर रही हैं और हमें बता भी नहीं रही कि हमारा कसूर क्या है। कसूर बस इतना है कि मैं किसी से कि मैं किसी से शादी ही नहीं करना चाहती थी, बस। अच्छा, तो फिर आप क्या करती? और कुछ भी करती, लेकिन अपने सपनों को यूं चूर चूर नहीं होने देती। हम भी आपके सपनों को चूर चूर नहीं होने देंगे। अंजलि, हमारी तरफ देखो, पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक। और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे। धीरे धीरे हम आपको समझ जाएंगे, आप हमें समझ जाइएगा, और इस तरह आपकी 21वीं सदी के असूलों को भी ठेस नहीं पहुंचेगी, और हमारे जो 19वीं सदी के जज्बात हैं वो भी कायम रहेंगे, है ना? क्यों? और रहा सवाल आज की रात का या आने वाली कुछ रातों का, तो हम कहीं और जाके भी सो जाते, लेकिन इससे हमारे घर वालों के अरमानों को ठेस पहुंचेगी, है ना? आपको हम पर एतबार रखना होगा, हम आपके पास ही सो जाते हैं, आपके करीब। आप भी आकर यहीं सो जाइए बेफिक्र होके। कम ऑन, कम रिलैक्स, आ जा। जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मारिया, ये किसकी आवाज है? सांप का। इस घर का हर सुबह सांप के प्रेस से ही शुरू होता है। Isn't it lovely, madam? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। अंजलि, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। हाँ? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। अंदर आओ अंजलि, आओ। आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? नहीं। आपको भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। क्यों? हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली हैं, डोर तो इनके हाथ में है, ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि, ये हमारे माता पिता हैं, और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते,
बच्चे चाहे कितने भी नाशुकर क्यों ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अब आप मुझे ये झूठी तसल्ली ना ही दे तो अच्छा है। ए सुनो, गुस्सा हो गई अंजलि? तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। एक बात कहें हम, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए ना, हमारी एक बात याद रखना, आंखें मीच कर सांस खींच कर 3 बार ओम 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 कहकर प्रभु का नाम लेना। पल भर में गुस्सा गायब हो जाएगा। और ये क्या, तुम्हारी मांग क्यों सुनी है?